व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप लोग के बीच न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो न्यू रेसिपी का नाम है कलौजी, यानी कि भरवा करेला जो इसको बोलते हैं, तो हमारे इधर कलौजी भी बोलते हैं इसको। तो मैं कलौजी बनाने के लिए, भरवा करेला बनाने के लिए मैं आधा केजी करेला ली हूँ देसी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर का छील लेती हूँ। पूरा अच्छे से तो नहीं छीलना है, थोड़ा कड़वा भी होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे इसको मैं सब छील लेती हूँ, यानी कि इसका छिलका उतार लेती हूँ। ये देखिए करेला मैं छील चुकी हूँ। अब करेला को मैं ऐसे कट कर लेती हूँ बीच से। ऐसे ऐसे करेला कट करके ये जो बीज का बीज है ना, वो जो बीज है ना बीच में, वो निकाल देना है हमें। हाँ, बट पूरा नहीं निकालना है, बट निकालना है। ऐसे ऐसे सब कट कर लेना है करेले को हमको। तो ये देखिए मैं सब कट कर चुकी हूँ, सबका बीज निकाल दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालकर इसको रख देती हूँ, क्योंकि नमक डालकर रख देने से थोड़ा ये कड़वापन निकल जाएगा इसका। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। करेले में भरने वाला मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच सौंफ लिया है। मैं एक ही चम्मच यहाँ पे जीरा ले रही हूँ, यानी कि क्यूमिन ले रही हूँ। इसको, इन दोनों को मैं भून लूंगी। तो अब मैं सबसे पहले जीरा एंड सौंफ भून लेती हूँ दोनों। तो देखिए सौंफ और जीरा हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा मेथी भूनूंगी। मेथी में कमी डालूंगी, क्योंकि मेथी ज्यादा हो जाएगा तो कड़वा लगेगा कलौजी। तो देखिए आप लोग, मेथी भी हो चुका है, मैं मेथी को भी निकाल लेती हूँ। तो अब मैं भूनूंगी धनिया, मैं आपका धनिया को भी भून लेती हूँ। जब तक धनिया रेडी हो रहा है, यानी धनिया जब तक भून रहा है, तब तक मैं आम को भी छील लेती हूँ धोकर। तो आम, कलौजी में आम डालकर बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं 3 आम ली हूँ। इसको मैं काट कर छील लेती हूँ। तो देखिए मैं आम को भी काट कर छील ली हूँ। अब मैं इसको मिक्सी में डालकर पीस लूंगी, मिक्सी की जार में डालकर। तो अब देखिए धनिया भी भून चुका है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। धनिया को मैं छोड़ देती हूँ, ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको पीसूंगी। तो अब देखिए मैं लहसुन, मेथी, जीरा, सौंफ को मिक्सर में पीस लेती हूँ। ये देखिए सौंफ, धनिया और मेथी मैं पीस चुकी हूँ। तो इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, जिसमें मैं मिक्स करूंगी पूरा मसाला। तो ये देखिए अब मैं धनिया को भी पीसूंगी, जो मैंने धनिया भुना हुआ था। तो ये देखिए मैं धनिया भी पीस ली हूँ, इसको भी थाली में निकाल लेती हूँ। धनिया मैं थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी आम और लहसुन भी डालना है तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं कम ही डाल रही हूँ धनिया। तो देखिए अब मैं आम को भी पीस लेती हूँ। ये देखिए मैं आम को भी पीस ली हूँ, आम को भी निकाल लेती हूँ मैं।
तो अब मैं पीसूंगी लहसुन। लहसुन में कलौजी ज्यादा डालने पे ज्यादा ही अच्छा टेस्ट होता है, कलौजी का टेस्ट बढ़ जाता है। बिना लहसुन का तो कोई भी चीज बनाओ तो बेकार है, टेस्ट एकदम बेकार रहता है। तो लहसुन भी मैं इसमें ज्यादा यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए आप लोग, मैं लहसुन भी पीस चुकी हूँ। लहसुन को भी मैं मिक्स कर देती हूँ, इसी में डाल देती हूँ। तो अब मैं इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। दो चम्मच मैं नमक डालूंगी, यानी तीन चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ है ना तो नमक पता नहीं चलेगा, कम रहेगा। ये सब मसाले मिक्स करने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। अब सब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी है कलौजी के मसाला जो मैं बना रही हूँ। अब देखिए कलौजी का मसाला एकदम रेडी हो चुका है, तो स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो कलौजी कम से कम 15 दिन की इधर तो खराब नहीं होने वाला है। आप एक बार बनाकर 15 दिन तक स्टोर कर रख के खा सकते हैं स्टोर करके। तो मैं करेले में ये मसाला भरूंगी। करेले में इसको मैं थोड़ा मतलब पानी निचोड़ देती हूँ, मतलब दबा कर करेले को। तो ये देखिए मैं करेले का सारा पानी निचोड़ दी हूँ जो निकला था नमक डालने के बाद। तो मैं करेले में ये मसाला भरती हूँ एक एक करके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये देख लीजिए आप लोग, कलौजी एकदम बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको तेल में पकाऊंगी। तो अब मैं गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दी हूँ। तो अब मैं कलौजी कढ़ाई में रख देती हूँ एक एक करके करेले को। तो अब मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तो आप मीठा तेल में या मस्टर्ड ऑयल में, किसी ऑयल में भी बना सकते हो, जो ऑयल आपके पास अवेलेबल है उसी में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डाल दी हूँ तेल। तो अब मैं थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डाल देती हूँ। अब मैं ढक देती हूँ, एकदम धीमी आंच पे पकाना है कम से कम 15 मिनट तक। फिर मैं मिलती हूँ 15 मिनट बाद आप लोग से। तो ये देखिए कलौजी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो अब देखिए आप लोग, मेरा भरवा कलौजी बनकर रेडी हो चुका है, यानी कि कलौजी भरवा करेले का। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए, आप 15 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होने वाला है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना मैं भरवा करेला कैसे बनाई हूँ। फिर मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय।